हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुकिंग विद मिशांस एंड दिस इज मिशा। सो गाइस, लेफ्ट ओवर सीरीज की सेकंड रेसिपी मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, दैट इज राइस टिक्की, जिसे मैंने रात के बचे हुए राइस से बनाया है, जो बहुत ही यमी बनी थी। इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हम इसे बना सकते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास घर पे थे, मैंने वही इसमें यूज करे हैं, उससे बहुत ही यमी टिक्की बनती है। आप इस टिक्की को बर्गर के अंदर भी खा सकते हो, वैसे भी खा सकते हो, जैसे टिक्की छोले होते हैं उस तरह से भी खा सकते हो। आपको हर तरीके से ये टिक्की बहुत ही डिलीशियस लगेगी। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर लेना। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले एक बोल मैंने यहाँ पर रात के बचे हुए राइस ले लिए। ये मैंने जीरा राइस बनाए थे जो रात के, वो लिए हैं। आप इसमें बॉयल्ड राइस भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी राइस यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें एक बॉयल्ड आलू डाला है जिसे मैंने मैश कर लिया है। उसके बाद चॉप्ड अनियन 1, उसके बाद कोरिएंडर, जितना आप चाहो उतना कोरिएंडर आप इसमें डाल सकते हो। देन नेक्स्ट है ग्रीन चिलीज, चिली आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देन आई एम एडिंग सूजी, राइस फ्लावर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले स्पून से। उसके बाद मैंने इसमें हैंड्स यूज़ किए हैं ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। एक बार हमने इसे स्पून से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाए। और ये प्रोसेस करने से पहले हैंड्स को बहुत अच्छे से वॉश कर लेना। अब मैं इसमें 1 टीस्पून पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई हो गया था, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अराउंड 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालना है, ताकि ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाए और इस तरह से टिक्कीज बनना हम इसकी ईजिली बना सकें। सो ये बिल्कुल रेडी है। मैं इसको डो को साइड में रख रही हूँ। हाथों पर अच्छे से ऑयल लगा लेना इस तरीके से, और अब इसकी टिक्कीज बनाना स्टार्ट करेंगे। कोई भी शेप जो आप देना चाहते हो टिक्की की, इसकी बना सकते हो। और ये टिक्की ब्रेक नहीं होगी क्योंकि इसमें राइस फ्लावर है, सूजी है, और ये ऑलरेडी राइस की बनी हुई है, तो इसमें सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाइंडिंग एजेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगी। अब मैं सारे डो की अच्छे से टिक्कीज बना लूँगी, फिर इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। सो ये टिक्कीज अब फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इन टिक्कीज को पहले बनाकर भी रख सकते हो और किसी कपड़े से कवर कर दो, जब आपको सर्व करना हो उससे थोड़ी देर पहले आप इसे जो है फ्राई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर मैंने पैन पे ऑयल अच्छे से लगा लिया है, पूरे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे पैन को ताकि टिक्की उस पर चिपके नहीं। और उसके बाद मैं इसमें टिक्कीज रख रही हूँ, और इस प्रोसेस को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर करना है। अब टिक्की को फ्लिप करने से पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल इस पर और ब्रश कर लिया है, बहुत हल्का सा, ताकि टिक्की जो है बिल्कुल भी चिपके नहीं। अब मैं इन सारी टिक्कीज को फ्लिप कर लूँगी क्योंकि ये दूसरी साइड से बन चुकी है। सो सारी टिक्कीज को मैंने यहाँ पर फ्लिप कर लिया है, बहुत आराम से करना है। अगर ऑयल की और ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा स्पून से या ब्रश से ऑयल डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। सो गाइज, आप देख सकते हो आप यहाँ पे टिक्कीज बिल्कुल रेडी हैं और बहुत डिलीशियस लग रही हैं। कितना ब्यूटीफुल क्रिस्प कलर आया है इसका, क्रिस्पी बहुत अच्छे से हो गई है, कलर भी बहुत प्यारा है। आप जितना क्रिस्पी चाहो उतना क्रिस्पी टिक्की को बना सकते हो। और मैं यहाँ पे इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़ी सी कर्ड और चाट मसाला से। आप इसे किसी भी तरीके से खा सकते हो, ये बहुत डिलीशियस लगेगी। सो गाइस, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। इस टिक्की को आप इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हो, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो। गाइस, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो चैनल अपडेट्स के लिए। सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।